सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nard and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंटी ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nard and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंटी ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी को आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 घंटे 33 मिनट देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटे 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 घंटे 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 घंटे 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 घंटे 33 मिनट देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटे 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 घंटे 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 घंटे 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 घंटे 33 मिनट देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल एक्सप्लोर के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी Farsi prize fighter with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेन लीड रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेन ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंटी ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेन लीड रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेन लीड रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंटी ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 और 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम times untold where legends are written in soul with blood, a hero he is born, and Maula Jatt, a Farsi prize fighter with a tortured past seeks vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड, ए हीरो ही इज बोर्न, एंड मौला जट्ट, ए Farsi prize fighter with a tortured past seeks vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल स्क्रॉल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी Farsi prize fighter with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान हम लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर विद ए टॉर्चरेड पास 6 vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान हम लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर विद ए टॉर्चरेड पास 6 vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान हम लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 और 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम times untold where legends are written in soul with blood, a hero he is born, and Maula Jatt, a Farsi prize fighter with a tortured past seeks vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड, ए हीरो ही इज बोर्न, एंड मौला जट्ट, ए Farsi prize fighter with a tortured past seeks vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल स्क्रॉल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी Farsi prize fighter with tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब का आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर विथ ए टॉर्चुरेट पास 6 vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर विथ ए टॉर्चुरेट पास 6 vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल वर्ल्ड के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी Farsi prizefighter with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट AAA मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनीज इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 और 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल वर्ल्ड के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी फारसी प्राइज फाइटर with tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nand and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nand and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो है इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो है इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो है इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nand and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं, जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी। नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं। नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनीज। और फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हो। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 2 आप लोग को जो है इसका रिलीज यार देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली ट्रोल के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nad and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब, पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब, पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो इस जो मूवी है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला जो मूवी होने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में जो है हम लोग को बोलने वाले हैं जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट्ट के नाम से जाने जाने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग को जो है रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम के बारे में बात करें तो 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। तो रन टाइम में आप लोग को जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग को जो इसका रन टाइम देखने को मिलेगा। तो रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट आप लोग जो इसका रन टाइम देख सकते हैं। और रिलीज ईयर के बारे में बात करते हैं तो रिलीज ईयर आप लोग को जो है 2022 आप लोग को जो इसका रिलीज ईयर देखने को मिलेगा। रन टाइम में आप लोग जो है 2 आवर 33 मिनट देख सकते हैं। आप लोग को जो इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी को देखने को मिलेगा। राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो बिलाल लाशारी, नेक्स्ट नासिर अदीब आप लोग जो है देख सकते हैं। स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो फवाद खान को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट माहिरा खान को देख सकते हैं, नेक्स्ट हुमैमा मालिक को आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल के रूम में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे कास्ट आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। तो इन लोग को आप लोग जो है मेनली रोल वर्ल्ड के रूम में आप लोग जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम टाइम्स अनटोल्ड वेयर लेजेंड्स आर रिटन इन सोल विद ब्लड ए हीरो ही इज बोर्न एंड मौला जट्ट ए फारसी प्राइज फाइटर with a tortured past six vengeance against his arch nemesis Nuri Nat and the most feared warrior in the land of Punjab। तो इसी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके जो है इस मूवी को क्रिएट किया गया। तो इसी स्टोरी को आप लोग को जो है इस मूवी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर 13, 2022 देखने को मिलेगा। काउंट्री ऑफ ओरिजिन आप लोग पाकिस्तान देख सकते हैं। लैंग्वेजेस आप लोग जो है पंजाबी उर्दू इंग्लिश में आप लोग जो है देखने को मिलेगा। फिल्मी लोकेशन आप लोग जो है पंजाब पाकिस्तान देख सकते हैं। और प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बात करें तो एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ए मोशन पिक्चर्स आप लोग जो है इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन कंपनी। सर फिल्मी लोकेशन आप लोग को जो है पंजाब और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पंजाब पाकिस्तान आप लोग जो है इसका फिल्मी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस मूवी का आप लोग जो है जरूर देखेगा।